हाँ जी है क्या बोला? हाँ, मिरुआ मौत मलू का शिकार। मिरुआ कहते हैं जानवर को और मलू कहते हैं शिकारी को। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ है? जानवर शिकार हो गया। किसका शिकार? शिकारी का। तो फायदा किसको हुआ? शिकारी का फायदा हुआ और जानवर की मौत हो गई। तो यही बात है, तुमको विश्व की बादशाही मिल जाती है। तुम शिकारी हो और ये सारी दुनिया जानवरों की मिसाल, जानवरों की मौत मर जाती है। तो ये हुआ मिरुआ मौत मलू का शिकार। हाँ, सतयुग में क्या हो जाता? 24 कैरेट। हाँ, ऐसा हो जाता है। ये तो शरीर तो पुराना ही पुराता है, लेकिन वो कंचन का बन जाता है। हाँ? तो पुराना शरीर का दोष और गुण ये तो समझाइए। पुराना शरीर का दोष गुण ये क्या? ये पुराना शरीर होते हुए भी, पुराना शरीर होते हुए भी वो कंचन का बन रहा है। हाँ, दोष गुण है। सर्प का मिसाल दिया ना, पुरानी खल छोड़ देता है और अंदर से नई खल आ जाती है। हाँ जी, कौन बोला इधर? हाँ, हिंदू में कहते हैं कौरवपर पांडव है। हिंदू में कहते हैं कौरवपर पांडव, मुस्लिम में कहते हैं सिया और सुन्नी। ऐसे सब धर्म में दो दो है ना, तो ऐसे भाग हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन कौरव है कौन पांडव है? जैसे मुस्लिम में है सिया सुन्नी, ख्रिस्टान में है रोथम पेटलीस, बौद्ध में है निरंजन महाजन, उसके बाद जैन में है सितंबर दिगम्बर। इसमें कौन कौरव टीम में है और कौन पांडव टीम में, कैसे पता चलेगा? नाम जब कहते हैं हिंदुओं में तो क्या कहते हैं? पहला क्या है, बाद में क्या है, ऐसे ही। मुसलमानों में कहते हैं सिया फिर सुन्नी, ऐसे ही बौद्धियों में कहते हैं हीन फिर महायान। तो पहले नीच और नीच के बाद ऊंच बनते हैं। सभी धर्मों में ऐसे ही है, पहले कौरव फिर पांडव। सारी दुनिया पहले क्या थी? कौरव संप्रदाय थी, रावण संप्रदाय थी। बाद में क्या बन गए? जिनको बनना था वो बन गए पांडव संप्रदाय। तब कहा जाता है कौरव पांडव, सिया सुन्नी, हीनयान महायान वगैरह वगैरह। और रूपी रंगमंच पर सचखंड की स्थापना, झूठ खंड का विनाश कितना बार हो चुका? ये ड्रामा अविनाशी है या विनाशी है?
तो फिर इसकी शुरुआत होती है क्या? अनादि है या इसका आदि है? फिर शुरुआत होगी? पहली बार दूसरे बार होगा? हाँ जी, तीनों की चीजों में तीनों के सिद्धि लाखी दिखा गया है। क्या झंडे में तीनों के तरफ सिद्धि लाखी दिखा गया है? लकीर क्या तीनों के चित्रों में दोनों के तरफ ब्रह्मा और शंकर के तरफ स्मृति की जो लकीर है वो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और शंकर को दिखाई गई है। माना स्मृति ब्रह्मा और शंकर को करनी है या संपूर्ण विष्णु को करनी है? है अधूरे पुरुषार्थी को स्मृति करनी है याद की स्मृति या संपन्न विष्णु को करनी है? किसको करनी है? अधूरे पुरुषार्थी को करनी है। ब्रह्मा भी पुरुषार्थी और शंकर भी पुरुषार्थी, दोनों याद में बैठे हुए हैं। दोनों की स्मृति की डोर एक निराकार बाप से लगी हुई है, बाकी विष्णु को याद करने की दरकार है ही नहीं, वो तो संपन्न है। है? क्या दिखाया गया? कहाँ दिखाया गया? यहाँ कहाँ स्मृति रूपी लकीर है? ये लकीर नहीं है, ये लकीर नहीं है, ये तो दिखाया गया है कि इनको ज्ञान की संपन्नता मिली हुई है तीनों को। जो इनको मिला है वो दुनिया में और किसी को नहीं मिला है, ज्ञान की रोशनी। और तीन पैर पृथ्वी, तीन पैर पृथ्वी उसे कहते हैं कि रात को नींद लेने के लिए एक दो और तीन पैर पृथ्वी मिल जाए। इधर को करवट ले लो और उधर को करवट ले लो, बस इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं तीन पैर पृथ्वी। ये तीन पैर पृथ्वी पहले एक को मिलती है या पांच को मिलती है या नंबर वार सभी बच्चों को मिलती है? हैं? एक को नहीं मिलती, पहले एक के लिए गायन है। क्या गायन है? कि तीन पैर पृथ्वी के नसीब नहीं हुए, पहले बाप के ऊपर लागू होता है, बाद में नंबर बार बच्चों के लिए लागू होता है। तो ईश्वरीय कुटुंब है अभी, लेकिन दैवी कुटुंब कब से बनेंगे? दुनिया में तो बनना है ना। पहला देवता कौन है? है? वो पहला देवता है? है? अभी है, जब होगा तब बनेंगे। जब अभी है ही नहीं, आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि, तो बनेंगे ही नहीं। है? ईश्वर की संतान है लेकिन अभी देवता की संतान नहीं है। और बाबा
आवाज नहीं आ रही, ये पंखा बंद कर दो। बताया थोड़ा आगे आ जो अब आगे आके और धीरे से बोलना शुरू कर दिया। हाँ ब्रह्मा द्वारा बाइसलेस वर्ल्ड, हाँ निर्विकारी दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। हाँ पहले कौन प्रत्यक्ष होता है वॉइसलेस दुनिया में? ब्रह्मा सो जो जो ब्रह्मा जो करेगा सो पाएगा, जिस नंबर में करेगा उसी नंबर में पाएगा। अरे ब्रह्मा सो विष्णु कौन बनेगा? जो अब्बल नंबर का ब्रह्मा सो अब्बल नंबर का विष्णु बनेगा। और राधा कृष्ण का कब जन्म होगा? स्थूल में कब होगा? जब स्थूल में नई दुनिया बनेगी तभी स्थूल में राधा कृष्ण का जन्म होगा। अभी स्थूल में नई दुनिया बनेगी या वाइब्रेशन के आधार पर बनेगी? वाइब्रेशन के आधार पर बनेगी। सब नहीं समझ सकेंगे कि वो नई दुनिया कहाँ है। जिन्होंने अपना वाइब्रेशन सुधारा होगा उनकी समझ में आएगा कि वो संगमयुगी राधा कृष्ण कौन है। कितने पीस कर दिए हैं? 51 के दो गुने कितने हुए? 102 हुए। माना उन 102 में से 102 माला के वो मणके कौन से हैं जो 102 के बाहर है? माला के मणके हैं 108, वो 108 मणके सब धर्मों के मिलाकर हैं। उनमें से 102 को लिया, 102 में भी वो युगल मणके हैं या सिंगल मणके हैं?
युगल मन के हैं। उन युगलों में रुद्रमाला के मणके कितने हैं? 102 में है 51। काट दिया क्या? जो मैं करने वाले हैं उनको काट दिया या जो निरहंकारी है उनको काट दिया? उनमें मुखिया कौन है जो शास्त्रों में दिखाया है? प्रजापति को सर अलग कर दिया, वो मुख है। लेकिन ये मुख निकलते कहां से हैं? इनकी पैदाइश कहां से होती है? बिना माता के पैदाइश हो जाती है क्या? हैं? नहीं। तो माता का वो रूप है जो पंच तत्वों से प्रभावित हुआ पड़ा है। जड़ तत्व है या आत्मारूपी चैतन्य तत्व है? तत्व जड़ है, वो जड़ तत्वों की स्थापना हुई है। अंग काटे हैं, आत्मा को तो नहीं काटा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और चौदह की अभ्यर्थवाणी जो चलाया गया वो ब्रह्मा के मुख से यानी ब्रह्मवाद के मुख से गुजारदादी के तंत्र द्वारा सुनाया गया ना, ये पुराने मुख का रिवाइज है। बोलो चौदह का जो अभ्यर्थवाणी जो इससे पहले जो चलाया गया था। अरे बोलो ना, वो अभ्यर्थवाणी जो है हाँ वो गुजारदादी के तंत्र से ब्रह्मवाद ना, ये हो सकता है रिवाइज भी हो जाए, लेकिन रिवाइज वाली भी तो पहले ओरिजिनल थी ना। उसको भी जो रिवाइज हुई है वो भी तो ब्रह्मा की ही वाणी मानी जाएगी ना। अंतर क्या हुआ? वो भी कागजों में आती है, वो भी टैप रिकॉर्ड में टैप हुई, और टैप रिकॉर्ड में टैप हुई कोई फिर दोबारा सुनाया गया। हाँ भावना की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव में सब कुछ भरा हुआ है, और भाव वाइब्रेशन से बनता है, यही रहस्य है। राम के मारने के लिए मेघनाद निकुंभिला जोगु किया। ये कोई कौन सा शब्द है? इसका क्या अर्थ क्या है? राम के मारने के लिए किया। अरे नाम क्या दिया यज्ञ का? निपुण मिला निकुंभ, कुंभ माने ज्ञान कलश, नि माने निशेष ज्ञान कलश, जिसमें ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं। वो मेघनाथ ने किया। मेघ माने बादल, नाद माने आवाज,
जो बादलों की तरह गड़गड़ाहट की आवाज करने वाला मेघनाथ था, उसने निकुंभ यज्ञ किया। ऐसा ज्ञान यज्ञ किया जिसमें ज्ञान का अंश मात्र नहीं था। कौन सा यज्ञ किया? निकुंभ, अर्थात ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ाया जो एडवांस ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसमें ज्ञान का नाम निशान नहीं है। रावण का बच्चा है। ज्ञान मार्ग में रावण कौन हुआ? रावण का जो 11वां मुख दिखाया गया है इसकी यादगार है। गधे का सिर दिखाया किसकी यादगार है? देवान की यादगार है। उस देवान के 10 बच्चे, उन 10 बच्चों में एक बच्चे का नाम मेघनाथ, ज्ञान की गड़गड़ाहट करने वाला, आवाज बहुत करता, ज्ञान का नाम निशान नहीं। बाबा, आज मुरली में बाबा ने बोला स्टेशन पर कोई नहीं आवे। हाँ जी, क्यों? गंद पड़ा हुआ है। हैं? गंदा पड़ा हुआ है। हाँ। तो बिहार का स्टेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेशन पे जो भी आने वाले लोग हैं वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? वो आपको ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे या अज्ञान की दृष्टि से देखेंगे? खास करके माताओं कन्याओं के लिए बोला। माताओं कन्याओं को तो बिल्कुल स्टेशन पर नहीं आना चाहिए जब बाबा जाते, नहीं तो दूसरे लोग किस दृष्टि से देखेंगे? अच्छी दृष्टि से देखते हैं या गंदी दृष्टि से देखते हैं? गंदी दृष्टि से देखते तो क्यों जाना चाहिए? बाबा ने बोला आदि में राम बाप फेल हुए थे, कारण की दिखाया कि तब ज्ञान इतना नहीं था, तो जो आदि सो अंत इस फॉर्मूला के अनुसार तो राम बाप के अंत में भी फेल होगा। आदि में राम बाप फेल हुए थे, राम बाप आदि में फेल हुआ, फेल हुआ तब तो ज्ञान नहीं था। हाँ, जो आदि सो अंत, अभी तो ज्ञान है। तो जहाँ ज्ञान है, ज्ञान माने अति की पवित्रता, जहाँ पवित्रता है, सत्य है, वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। आदि में तो ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया, विनाश हो गया, अंत में तो होने का सवाल ही नहीं है। और बाबा कहते हैं मच्छर के जैसे ले जाए, बाबा कहते हैं मच्छरों के जैसे सबको ले जाए, मच्छरों में से सबको ले जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं मच्छरों के जैसे सबको ले जाएंगे। हाँ, क्यों ले जाएंगे? इसलिए ले जाएंगे कि अहंकार सबके अंदर भरा हुआ है। मैं भी कुछ हूँ। अहंकार का नाम निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। एक सेकंड में भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एक आत्मा में भी अहंकार का नाम निशान नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। महाभारत में जयद्रथ का जो वध हुआ था, तो महाभारत में जयद्रथ का जो वध हुआ था है? तो उसका पहले सूर्य थोड़ा समय के लिए चुप गया था है? तो अब ये शूटिंग कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा? सूर्य जो ज्ञान सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है,
वो अस्त होता नहीं है, बादल उसको ढक लेते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ हैं? अरे रुको तो भाई, चुप रहो। अरे रुको तो, क्या बोला? कौन कहता है नाभि नहीं जलता है? ऐसा कुछ नहीं है, सारा शरीर जल जाता है, सारा शरीर जलता है, खोपड़े की हड्डियां रह जाती हैं, नाभि में कोई हड्डी नहीं है, हड्डियां नहीं जलती हैं, जलती हैं लेकिन राख रूप में रह जाती है, इसलिए हड्डियों की राख भी पानी में बहा दी जाती है। और बांग्लादेश में जो बच्चा होता है ना, बांग्लादेश में जो बच्चा सेंटर में आई थी, ज्यादा टाइम लगती है, ठीक ठाक नहीं आती है, तो क्या करेंगे? बांग्लादेश से। आप बंगाली में बोल दीजिए। बांग्लादेश जो आत्मा, आप बंगाली में बोल दीजिए, हिंदी में ये बता देंगे। बांग्लादेश में ठीक समय में आत्मा सेंटर में नहीं आ पाते, खबर नहीं पाते, तो क्या करें? उनको खबर ठीक तरह से नहीं मिलता है, ठीक टाइम पे नहीं मिलता बाबा खबर, बाबा आने का खबर। पैसे खर्च करो, आजकल तो दुनिया के कोई भी कोने में एक सेकंड में संदेश पहुंचता है, स्काइप फोन आया हुआ है, स्काइप से दुनिया के कोई भी कोने पर बात करो, फौरन बात पहुंचती है, ईमेल आया हुआ है, ईमेल का कनेक्शन पक्का रखो। हाँ बाबा, ओम का माना है आ उम, हाँ जी, आ है ब्रह्मा का आ, उ विष्णु का उ, मो महेश का मो, दोनों लेटर का अंतिम अक्षर लगाया गया है आ उ, मगर महेश का मो मतलब पहले लेटर क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो आदि है, आदि देव, ये ब्रह्मा और विष्णु आदि देव नहीं है, इसलिए उनका पहला अक्षर लिया गया महेश। ब्रह्मा का अंतिम अक्षर है, विष्णु का उकार अंतिम अक्षर, लेकिन महेश का पहला अक्षर। हाँ है? कोई आधार कुमार अगर चाहे तो स्कूल बुक से सरेंडर नहीं हो सकते हैं? स्कूल बुक से सरेंडर नहीं हो सकते हैं? स्थूल रूप में? अच्छा, कुमार हो सकता है? अरे आधर कुमार, तुमने आधर कुमार की बात की, कोई कुमार तो कुमार भी और आधर कुमार भी, ये बैल है या गाय है? बैल पाल गनैया गाया हुआ है या गौ पाल गाया हुआ है? बैलों को आज के समाज में सुरक्षा की जरूरत है या गायों को जरूरत है? तो गायों की सुरक्षा करने के लिए भगवान बंधा हुआ है, बैलों की सुरक्षा करने के लिए दरकार नहीं। आप चौराहे पे जाके रात के 12 बजे सो जाइए, आपके कोई ऊपर हमला नहीं करेगा,
करेगा? आपको सुरक्षा देने की गारंटी नहीं है, लेकिन कुमारियों को तो, माताओं को तो सुरक्षा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उनका सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा, पवित्रता का पुरुषार्थ। और इसका मतलब ये है कि 63 जन्म के रील घूम रही है, 63 जन्म के जो पाप कर्म और पुण्य कर्म किए हुए हैं, उनकी रील घूमती है अमृत वेले के पुरुषार्थ में तीव्र गति से। जब खराब कर्म उदय होते हैं तो आप कितना भी पुरुषार्थ करें, आपकी याद टिकेगी नहीं, और जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, नचाते हुए भी अमृत वेले में अच्छा हो जाएगा। है अच्छा याद कैसे आएगा? अच्छा याद प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जब पाप कर्मों का जो बोझा है वो खलास हो जाएगा तो अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? जितना तीखा आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। आग को जितना तीखा जलाया जाएगा सोना उतना ही शुद्ध होगा, धीमी आग में सोना शुद्ध होने वाला नहीं है। हम जिस तरह में उठते हैं, यह करते हैं कि नींद आ जाते हैं, इस रास्ता में चलते फिरते हैं तो हमारे यह दोष आते हैं। चलते फिरते याद करो अमृत वेले भी। आप काय के लिए पढ़ के सो जाते हैं? छत पर चले जाओ, चलते फिरते याद करो। हाँ है? सतयुग में कंस नहीं होता, रावण नहीं होता, है राम में रावण नहीं होता, राम की पत्नी सीता कैसे चुनी है? राम की पत्नी हाँ सीता कैसे चुनी? अरे ये संगम हुई के शास्त्रों में कथा कहानियां है, या शास्त्रों में जो कथा कहानियां की गई हैं वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की है। द्वापर में कृष्ण हुआ क्या? त्रेता में कोई राम हुआ क्या? हिरण्यकश्यप सतयुग में हुआ क्या? अरे तो कहाँ की बात है, ये समझ में नहीं आया। हाँ बाबा, लौकिक में जो माँ बाप है ना, लौकिक में जो माँ बाप है जो जन्म दिया लौकिक में, तो लौकिक में जो माँ बाप जन्म दिया वो कोई ज्ञान में नहीं चलता है? चलते भी हैं, नहीं भी चलते? नहीं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं या बाबा का परिचय देते हैं तो विरोधी करता है, और जब उनको पैसे का हेल्प चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए उस टाइम बोलते हैं बेटा मेरा क्या करना चाहिए। और उन लोग अभी बुढ़े हो गए, एक ही बच्चा है, जो लौकिक में मरने के बाद क्या काम करना पड़ता है वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो कर्म सच्चा है वो करना चाहिए, या जो कर्म झूठा है उससे कोई फायदा ही नहीं वो करना चाहिए? हैं? तो मरने के बाद माँ बाप की मौत हो गई, मौत होने के बाद उनके शरीर को जलाना सच्चा कर्म है या झूठा कर्म है? हैं? सच्चा कर्म है, नहीं तो बदबू फैल जाएगी। फिर उसके बाद तो बोलेंगे जला दिया, तो करना है कर्म भी करना है, वो सच्चे कर्म है, पक्का विश्वास है? झूठा है तो मत करो, इसलिए तो बाबा को पूछ। तो सत्य कर्म करो, असत्य मत करो। तो
वर्तमान गीता भाषा में बहुत था ऐसा ऐसा जब हमें कोर्स कर लिया है। कोर्स करने के बाद मिनी मधुबन में भी कोर्स कर लिया है। तो उसी भाई बहन को क्या डायरेक्ट मधुबन जाने के लिए परमिशन मिलेगा गीता पाठशाला से? उनके भाई बहन को, भाई बहन को डायरेक्ट डायरेक्ट भर्ती करने के लिए गीता पाठशाला से भेजना पड़ेगा, क्या परमिशन मिलेगा ऐसा? गीता पाठशाला से ज्ञान लिया है तो क्यों नहीं परमिशन मिलना चाहिए? गीता पाठशाला कोर्स किया, मिनी मोटमन में कोर्स किया, इसके बाद जब भर्ती करेगा क्या इधर से जाना होगा, क्या गीता पाठशाला से जाने के लिए परमिशन मिलेगा? मिनी मधुबन जहाँ बना हुआ है वहाँ से परमिशन मिल सकती है, वो पक्का माना जाएगा। गीता पाठशालाओं में जो माताएं संचालिका बन करके चला रही है उनमें नियम कानून को उतना गहराई से पालन नहीं किया जाता है, इसलिए मिनी मधुबन से परमिशन लेकर के जाएंगे तो उनको पक्का महत्व दिया जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए दो बातें बता दी। एक बात प्रैक्टिस 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 अभ्यास, बार बार अभ्यास। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला साइकिल सीखने वाला गिरता है, बार बार गिरता है, क्या करता है? बार बार गद्दी पे चढ़ के बैठ जाता है, फिर चढ़ता है, फिर चलता है। ऐसे ही अभ्यास में थकना नहीं है। दूसरी बात वैराग, सबसे पहला वैराग है इस शरीर से वैराग। अच्छा अच्छा लड्डू पेड़ा चाहिए तो पुरुषार्थ करेंगे, खिचड़ी मिलेगी तो हमसे नहीं होगा, तो मन भी एकाग्र नहीं होगा। अभ्यास के साथ साथ तन से कमाए हुए धन से, तन के संबंधियों से वैराग, इन सब को जितना ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, तन को, तन के संबंधियों को, तन से पैदा हुए बाल बच्चों को जितना ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, तन से पैदा हुए धन को जितना ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, तो जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, नहीं समझा? एक ही बात, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़ कुछ भी नहीं डाले, मीठा हो जाए, ऐसा कुछ बताओ बाबा, तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। घर में एक कमरा है, अरे माता है, माता है ना, जो चाहते हैं 3-4 माता जाके घर में माताओं के संगठन करेंगे।
कर सकते हैं। हाँ हाँ, माताओं का संगठन कर सकते हैं। अगर युगल नहीं है, माता है और माता कम उम्र की नहीं है, कम उम्र की नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, तो मैच्योर्ड माता अपने घर में माताओं का कन्याओं का संगठन रख सकती है, उसे कहेंगे शक्ति भवन, खोल सकती है। एक कमरा है तो भी खोल सकती है। जैसे अभी आपने कहा ना, माता के प्रश्न का जवाब दिया, अगर लौकिक जिम्मेवारी हो तो उसको कैसे निभाया जा सकता है? लौकिक जिम्मेवारियां जो होती है उसको छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना बाबा, तो निभाना ही है। ऐसी स्थिति में अपने मन को कैसे, बुद्धि को, मन को कैसे काबू रखें, जिम्मेवारियां भी निभाए और मन बुद्धि भी काबू करें। जो ये माता को बोला, यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मेरा क्वेश्चन था। जे एक ही बच्चा है तो लौकिक, लौकिक में कोई माता है उसकी जिम्मेवारी है जो रचना रची है उसकी पूरी पालना करना। रचना रचने में उस्ताद बनेंगे, पालना करने के लिए कहेंगे कि हमें कैसे करना है। अरे जिन बच्चों को रचना रची है उनको स्वर्ग में नहीं जाने देना है, तो पहले उनकी उनकी रचना करो, उनकी पालना करो। ये नहीं कि अपनी रचना को छोड़ दो, वो जिम्मेवारी को निभाना है। हाँ बच्चे नहीं है कोई जिम्मेवारी नहीं, बच्चे हो तो वो जिम्मेवारी तो निभानी होगी ना बाबा। क्यों नहीं निभानी है? रचना रचना आता है, उनकी पालना नहीं करेंगे? फिर पूछते क्यों है? और भी परेशानियां होती है जो उसकी जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है, जैसे माँ बाप होते हैं ना। माँ बाप बूढ़े हैं, अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो बच्चे का कर्तव्य है बूढ़े माँ बाप की पालना करना, बच्चियों का कोई कर्तव्य नहीं। पेट की पालना के लिए पुरुषों को मेहनत करनी है, धंधा करना है, बच्चियों को धंधा नहीं करना है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। बाबा आपने बोला कि अभी उसका घर में होगा ना माताओं का संगठन, जो कि संगठन हो गया संभव है, तो आप परमिशन दे दिया, ये सोच है आप परमिशन दे दिया तो हाँ। घर में कोई जिम्मेवारी नहीं है, माता स्वतंत्र है, खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं है, इतना ऊपर वाले ने दिया है पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से भरपूर है, तो क्यों नहीं ईश्वरी सेवा में लगाए। है इसमें आवाज तो है नहीं है, ऐसे ही दे रखा है, है। किसने कहा? क्या बोला? क्या बोला? खुलना से क्या खोलेगा? स्वर्ग का गेट खोलेगा, क्या खोलेगा? ज्ञान का गुप्त रहस्य, ज्ञान का गुप्त रहस्य खुलना से खोलेगा। गुप्त रहस्य खुलना से खोलेगा, ये कौन सी मुरली में बोला? मुरली
वार्तालाप में बोला कौन सा नंबर? 1440 है। 1440 दोबारा दिखाना बैठो। हाँ यदि बेटा हो 13-14 साल, यदि बेटा हो 13-14 साल का और माता हो, उसको पति छोड़ दिया है, तो वो माता भी ईश्वरीय सेवा में लग जाए और बेटे को भी पांडव भवन में भेज दे सेवा के लिए, ऐसा कर सकते हैं क्या? बेटे को कहाँ रख दे? पांडव भवन में सेवा के लिए। पांडव भवन में? और पांडव भवन में सारे बंदर बैठे हुए हैं और वो बंदर बेटे को भी बंदरपना सिखाएं, जो बेचारा महात्मा है, तो जिम्मेवारी किसकी ऊपर होगी? आपकी जिम्मेवारी होगी या बंदरों के ऊपर जिम्मेवारी जाएगी? बंदर तो अपने बंदरपना नहीं छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं ना कि ये बंदरों की सेना है, तो रखेंगे हैं? नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है। बंगाल में एक कहावत है, उस बंगाल में एक कहावत है, जो सिन्नी है ना सिन्नी, वो सिन्नी का उद्भव हुआ है पीर की है? पीर की सिन्नी से नारायण का सिन्नी का उद्भव हुआ है। भाई का पीर का सिन्नी जो होता है सिन्नी सिन्नी क्या तो आता बोला जो होता है आता आपको कोई मीठा पीर क्या? पीर क्या? वीर बाबा। वीर बाबा, वीर बाबा का सिन्नी से नारायण का सिन्नी का उद्भव हुआ है। हाँ, तो ये कहावत का मीनिंग क्या होता है? पिंड क्या है? ये शरीर है पिंड, पिंड। हाँ पिंड दान देते हैं ना, पिंड दान देते हैं तो लड्डू जैसा बनाया जाता है। अरे गया में जाते हैं ना, गया में जाते हैं तो पिंडदान करते हैं। अरे वो ही पिंड कहा जाता है उसको, तुम पिंड पिन्नी कहते हो, वो वास्तव में पिंड है, ये शरीर ही पिंड है। जो प्रजापिता का शरीर है वो हाड़ मास का पुतला है, देवान का पुतला है, वो देवान का पुतला पांच तत्वों का, तमो प्रधान तत्वों का पुतला है। उस तमो प्रधान तत्व के पुतले से ही जैसे सांप पुरानी कैचुल त्यागता है और नई धारण कर लेता है, ऐसे उस पिंड में से नारायण निकलता है, प्रत्यक्ष होता है। जो नारायण की प्रत्यक्षता बताई गई है कि 40 साल में तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और हाँ वो भोग ही हो गया। पश्चिम बंगाल में जगह का नाम है डायमंड हार्बर, हाथ में क्या होता है और ब्याज में क्या होता है? डायमंड माने क्या और हार्बर माने क्या? हैं? हैं? तुम काय के लिए बोलते हो, उन्हें बोलने दो ना। हार्बर माने कि बिजनेस करने का जगह को बंदर कहते हैं, जहाँ जहाज आकर के इकट्ठे होते हैं। डायमंड हार्बर, डायमंड हमेशा चमकता रहता है, चमक मारने वाला डायमंड अंधेरे में भी चमक मारता है।
तो ये अज्ञान सागर है, सारी दुनिया अज्ञान में डूबी हुई है, सबको अनिश्चय आता है, सब अनिश्चय के अंधकार में डूबते उतरते हैं, लेकिन एक हीरा है जो डायमंड हार्बर है, जिसे देख करके सारे जहाज ठिकाने पर पहुंचते हैं। अब समझा? हाँ जी, हाँ। चारों धाम क्या क्या है? चारों धाम जो बताया गया है, चार धाम क्या क्या है? चार धाम, हाँ, नाम क्या क्या है? चारों धाम शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चार धाम की स्थापना की, दो दक्षिण की ओर जगन्नाथ और श्रीनाथ, और दो उत्तर की ओर केदारनाथ और कौन सा नाथ, बद्रीनाथ। ये चार धाम हो गए। नहीं, और अमरनाथ तो शिव हो गया, शिव जो सबसे ऊंची स्टेज में रहता है। हाँ जी, एक गीता पाठ शाला का माता है, वो सबसे रेगुलर क्लास करती है, वो डायरेक्ट गीता पाठ शाला, डायरेक्ट मातृ माता है, मातृ माता है, वो सबसे डायरेक्ट रेगुलर क्लास करती है, डायरेक्ट गीता पाठ शाला में, वो डायरेक्ट मिनिमम पढ़ने करने के लिए जा सकती है। गीता पाठशाला से परमिशन लेकर मिनी मधुबन नहीं है कोई, कहाँ की बात है? वर्धमान, वर्धमान का मिनी मधुबन कलकत्ता नहीं है। बाबा का परमिशन लेकर, बाबा की परमिशन कहाँ, दिखाओ, दिखाओ परमिशन, अरे परमिशन दिखाओ ना, ऐसे ही हवा में वो बाबा ने बोल दिया है, कभी नहीं मानना किसी की बात, बाबा ने बोल दिया है, झूठा झूठा बोलते रहते हैं, बाबा ने बोल दिया। बाबा की परमिशन है तो लिखे तो लो, हाँ, बिना प्रूफ के बाबा नहीं मानेंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मानते। बाबा के पानी से लेकर के जाना, हाँ हाँ जाओ, हाँ। और बाबा कहते हैं हर एक डायरेक्शन कन्याओं माताओं के द्वारा निकलना चाहिए। बाबा कन्या माता है या पुरुषों की कोटि में है तो बाबा कोई डायरेक्शन नहीं देगा आपको अलग, सारे डायरेक्शन आपको कन्याओं माताओं के द्वारा मिलने चाहिए। हाँ, वो परमिशन हेड ऑफिस से मिलती है, हेड ऑफिस से मिनी मधुबन वालों को मिलती है, मिनी मधुबन वालों से गीता पाठशाला वालों को मिलती है, गीता पाठशाला वालों से जिज्ञासुओं को मिलती है। हाँ, मामा, आपको कहने का मुताबिक है, आपके आज आपने जो बताए हैं उसके मुताबिक अगर जगदम्बा जी आपने रचनाओं को देखते आगे आके बात करो, और आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बढ़िया आए, बखत पे आए, जगदम्बा की याद में आए, आ जाओ। हाँ, आज आपने कहा है, आज आपने जब वार्तालाप में आपने कहा ना, क्या कहा, जिसका रचनाएं है, जिनको रचनाएं हैं अपने अपने रचनाएं, हाँ, उनको परवरिश करना, परवरिश देखभाल करना है। हाँ, ये जगदम्बा जी वो अगर उसमें लग जाए, इसमें स्वर्ग का दरवाजा कौन खोलेगा, हैं, किसमें लग जाए, बच्चों को पालने पोसने, कौन से बच्चे, लौकिक है या पारलौकिक या अलौकिक, तो सब कुछ है, है? उनका लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, अलौकिक, हाँ, तो अपने संभाले। कौन मना करता है, स्वर्ग का दरवाजा कौन खोलेगा, हैं, जगदम्बा खोलेगी, अरे हैं,
कौन जगदम्बा खुलेगा? जगदम्बा कौन जगदम्बा खुलेगा? जो जगदम्बा होगी वो ही खोलेगी, दूसरा कोई है नहीं। सरजू का जगदम्बा जी है, सरजू का जगदम्बा तो दूसरा कोई भारत माता काले है। हाँ, बिहार का जगदम्बा भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता कौन है? छोटी मम्मी है, क्योंकि छोटी मम्मी भारत माता है। भारत माता पहले या सारे विश्व के जितने देश हैं उनकी अम्मा पहले? तो जगदम्बा की भी माता कौन हुई? भारत माता हुई। पवित्रता की भी कोई कोटि होती है, पवित्रता है तो सारी दुनिया को मान्य होगी, पवित्रता है तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाएगी, पवित्रता नहीं है तो जो बाप का लक्ष्य दिया हुआ है वो लक्ष्य कभी पार नहीं कर सकती। जगदम्बा भी अपना लक्ष्य, जो बाप ने लक्ष्य दिया हुआ है वो लक्ष्य प्राप्त करती है, है? नहीं करती, क्योंकि रचना की पालना नहीं करती। जो बाप की रचना है उसको छोड़ दिया और लौकिक रचना को पकड़ लिया। अभी लौकिक संबंध बनाने का टाइम है या लौकिक संबंधों को तोड़ने का टाइम है? बोलते का ही नहीं। अरे बोलो भाई, आके बैठे हो तो बोलो। यही समाचार हम दे रहे हैं आपको। वैरागी और निवृत्ति की बातों में अंतर क्या है? वैरागी और निवृत्ति बातों में अंतर क्या है? तो सुना कुछ हमारे कान में तो मशीन लगी हुई है, इनके कान नहीं सुन पा रहे। बताओ क्या कहा? निवृत्ति मार्ग में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। निवृत्त माना प्रवृत्ति को छोड़ दिया, एक के साथ हमारी प्रवृत्ति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये हो गई निवृत्ति। एक के अलावा औरों को बुद्धि से पकड़ा, इंद्रियों से पकड़ा, वाचा से वाचा मिलाई, रज रज के बातें की, तो प्रवृत्ति मार्ग में हो गए। पक्का प्रवृत्ति मार्ग खत्म हो गया। हाँ, सारी दुनिया रो रही है, सारे बच्चे रो रहे हैं। जो रोने वाले हैं, रोने वाले रुद्रगण हैं। नजदीक का बच्चा है ना? रुद्रगण है ना? जो रुद्रगण है रोते रोते पैदा होते हैं ना? जो रोते रोते पैदा होते हैं किसके बच्चे? अरे किसके बच्चे? रुद्र के बच्चे हैं। रुद्र है तो रुद्र के नजदीक रुद्र के बच्चे हैं। दूर दूर रोते रहे और नजदीक कभी पहुंचे ही नहीं, तो रुद्र के बच्चे कैसे पैदा होंगे? दूरवाज खुशवाज होने से बात बन जाएगी। अरे बच्चों को नजदीक आना पड़े या दूर रहना पड़े? नजदीक आना पड़े। और इधर इधर है नारायण भी पुरुषोत्तम है। किसने कहा नारायण पुरुषोत्तम नहीं है? ये किसने कह दिया तुमको?
सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, जो नारायण है वो ही राम है। और टाइम हो गया, ओम शांति।